Good morning, Stan. Welcome back to online class. Today we will learn here class 6 subject SST geography chapter number 2 latitude and longitude. Let us start, students What are longitudes? Longitude kya hai? To fix the position of a place, it is necessary to know something more. दैन द लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस टू फिक्स द पोशन ऑफ अ प्लेस एक जगह की स्थिति को निश्चित करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नाव समथिंग मोर देन दैटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस यह आवश्यक है कि उस जगह के सारे लेटीट्यूड के बारे में जाना जाए यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल द टोंगा आइसलैंड इन द पैसेफिक ओशन यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के लिए देख सकते हो दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन टोंगा आइसलैंड को जो कि पैसिफिक ओशन में है एंड मारीटस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन और मारिटस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड आई ई ट्वेंटी डिग्री साउथ मार्टस टोंगा आइसलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है और मारिटस आइसलैंड जो कि इंडियन ओशन में है वे सेम लेटीट्यूड एक ही लेटिट्यूड ट्वेंटी डिग्री साउथ में स्थित हैं नाव इन द ऑर्डर टू लोकेट देम से अब आप उनको ऑर्डर के अनुसार दर्शाइए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट दीज प्लेस हमें यह जानना आवश्यक है कि ये प्लेस ईस्ट और वेस्ट में कितने दूर हैं आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू दाउथ पोल जो कि लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेफरेंस में दिए गए हैं जो कि लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रेफरेंस में हैं उस संबंध में समझना है दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूट ये लाइन जो इस संदर्भ में है वे मेरिडियन ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गीट कहलाती है एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लेटिट्यूड और उनके बीच की दूरी जिसको कि डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड से नापा जाता है ईच डिग्रीज़ फर्दर डिवाइड इंटू मिनट्स प्रत्येक डिग्री आपस में मिनट से मिनट में डिवाइड होती है एंड मिनट्स इंटू सेकेंड और मिनट सेकेंड में डिवाइड होते है, they are semicircles, semicircles हैं दे आर सेमी सर्कल्स वे शेमी सर्कल्स हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम डिक्रीज स्टडी पोलवॉड्स और उनके बीच की दूरी पोलवार्ड डिक्रीज होती है अनटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स जब तक कि यह पोल पर जीरो नहीं हो जाती वर आल द मेरिडियंस मीट जहाँ पर कि सारी मेरिडियन मिलती है अनलाइक पैरल्स ऑफ द लेटीट्यूड आल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ अनलाइक पारालस ऑफ लेटिट्यूड उसी पर उसी प्रकार पारल पारालस ऑफ लेटिट्यूड आल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ जहाँ पर कि सारी मेरिडियन इक्वल लेंथ की होती है थस इट विल डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस थट विल डिफ़िकल्टू नंबर द मेरिडियन यहाँ पर यह निश्चित करना मुश्किल होता है कि मेरिडेंस का नंबर कितना है कितनी मेरिडियंस है हैंस आल कंट्रीज़ डिसाइडेड दैट द काउंट सुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडन विच पासड थ्रो ग्रीनविच इसलिए सारे देशों ने यह डिसीजन किया कि वह मैरिडियन जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है विच इज ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड जहाँ पर कि ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेट्री स्थित है दिस मेरिडियन इज कार्ड द प्राइम मेरिडियन यह मेरिडियन प्राइम मेरिडियन कहलाती है इसको इस प्रकार से देख सकते हैं स्टूडेंट इट्स वैल्यू इज़ जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसकी वैल्यू जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है एंड फ्रॉम इट वी काउंट वन हंड्रेड एटी डिग्री ईस्ट एंड वेल एज वन हंड्रेड एटी डिग्री वेस्ट इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू एक सौ अस्सी डिग्री ईस्ट और ऐसे ही एक सौ अस्सी डिग्री वेस्ट होती है एटी डिग्री ईस्ट वार्ड ये होती है स्टूडेंट वन एटी डिग्री वेस्ट वार्ड इधर से होती है द प्राइम मेरिडियन एंड वन हंड्रेड एट्टी डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स प्राइम मेरिडियन और वन हंड्रेड एट्टी डिग्री मेरिडियन पृथ्वी को दो इक्वल हाफ्स दो बराबर भागों में बांटती है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिसको कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध जिसको कहते हैं दियर फॉर द लॉन्गी ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डबल फॉर वेस्ट इसलिए यहाँ पर लॉन्गीटू एक जगह की लॉन्गीट्यूड को फॉलो करने के लिए उसे दिखाने के लिए लेटर ई ईस्ट के लिए प्रयोग करते हैं और लेटर डब्लू वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन इट इज़ हाउ एवर इंटरेस्टिंग यह किस प्रकार से इंटरेस्टिंग है यह नोट करने के लिए किस प्रकार से इंटरेस्टेड है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन सेम लाइन में स्थित है सेम लाइन में ही स्थित है इस प्रकार की सेम लाइन में 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट सेम प्रकार की लाइन में ही स्थित है नाव लुक एट द ग्रेड ऑफ़ द पैरल ऑफ़ लेटीट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड On the globe figure 2.6. Now look at the grid of the parallels. ab aap अब आप grid of parallels ko dekh को देख सकते हो ki पर कि ki पर कि meridian ऑफ मेरेडियन और लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरेडियन ग्लोब पर है लेटिट्यूट ऑफ मेरेडियन और लॉन्गी ऑफ मेरेडियन ग्लोब पर है इसको आप फिगर 2.6 में देख सकते हो स्टेंट यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी ईजीली इससे आप ग्लो पर किसी पॉइंट को बहुत आसानी से लोकेट कर सकते हो किसी जगह को बहुत आसानी से आप इसकी सहायता से ग्लो पर इस दर्शा सकते हो इफ़ यू नो इट्स लेटिट्यूट एंड लॉन्गिट्यूड यदि आपको यदि आपको इसके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता है तो आप बहुत आसानी से किसी जगह को ग्लो पर दर्शा सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट ट्वेंटी सिक्स डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड एंड नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉन्गी उदाहरण के लिए धुबरी असम में छब्बीस डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड और नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ई चर उस पॉइंट को ढूँढिए जहाँ पर कि ये दोनों लाइने एक दूसरे को काटती है दैट पॉइंट विल भी द लोकेशन ऑफ दुबरी वहाँ पॉइंट दुबरी की लोकेशन होगी टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रक्टेंस वर्टिकल एंड हॉरीजोंटल लाइन ऑन अ पेपर फिगर टू पॉइंट सेवन टू टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्व डिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरीजोंटल लाइन ऑन अ पेपर फिगर टू पॉइंट सेवन इसको सही ढंग से समझने के लिए हम एक फिगर पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पेपर की पेपर की सहायता से इसको देख सकते हैं समझ सकते हैं जैसे कि फिगर पॉइंट टू सेवन में दिखाया गया है लेबल वर्टिकल रॉज विद नंबर्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज़ विद लेटर्स जहां पर कि वर्टिकल रोज़ को लेबल किया गया है नंबर के साथ और हॉरिजॉन्टल रॉज़ को लेटर के साथ लेबल किया गया है ड्रॉ सम इसमाल सर्किल रेंडमली इसको इस कुछ इस्माल सम इस्माल साइकिल को इसमें रेंडमली ड्रॉ कीजिए ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉर्जेंटल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेकट ईच अदर ड्रॉ कीजिए हॉरीजोंटल और ड्रॉ कीजिए हॉरीजोंटल और वर्टिकल लाइन को जहाँ पर कि वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो नेम दीज इस्माल सर्कल ए बी सी एंड ई और इन स्माल सर्किल का नाम आप ए बी, सी डी एंड ई आप दे सकते हैं लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजोटल लाइन एज नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर यहाँ पर वर्टिकल लाइन ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और हॉरिजॉन्टल लाइन नॉर्थ लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी नाउ यू विल सी दैट सर्किल दैट सर्किल ए इज़ लोकेट ऑन बी डिग्री नॉर्थ अब आप देखोगे कि ए सर्किल जो ए सर्किल है वह बी डिग्री नॉर्थ बी डिग्री नॉर्थ को रिप्रेजेंट बी डिग्री नॉर्थ पर लोकेट है लेटीट्यूड एंड वन डिग्री ईस्ट लॉन्गी और ये वन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स इसी प्रकार से अदर सर्किल्स की लोकेशन को फाइंड कीजिए लॉन्गीम एंड टाइम और टाइम द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ अर्थ द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मोमेंट ऑफ़ अर्थ टाइम के बेस्ट मेजरिंग टाइम का सबसे बेस्ट मेज़र करने वाला करने वाला मोमेंट ऑफ द अर्थ अर्थ की मोमेंट है यानी अर्थ की मोमेंट से पृथ्वी की घूमने होने की गति से टाइम का बेस्ट मेजरिंग होता है टाइम को अच्छे ढंग से नापा जाता है द मोन एंड द प्लैनेट्स चंद्रमा और प्लेनेट्स की गति से भी इसको अच्छे ढंग से नापा जाता है द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे सूर्य प्रत्येक दिन सूर्य प्रत्येक दिन चमकता है सूर्य प्रत्येक दिन चमकना शुरू होता है और शाम को अस्त हो जाता है एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड और प्राकृतिक रूप से यह संसार का सबसे बड़ा टाइम कीपर है टाइम कीपर है या संसार का सबसे बड़ा सूर्य लोकल टाइम कैन बी रिकनॉड बाय द सेडो कास्ट बाय द सन लोकल टाइम सूर्य के शेडो से सूर्य की परछाई को देखकर बहुत अच्छे ढंग से पता होता है विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नोन एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड सनसेट जो कि दोपहर के समय में सबसे छोटा और सूर्य के उगते समय और सूर्य के अस्त होते समय लंबा होता है वन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीन विच हैज़ सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई जब प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच की है वह सूर्य के उदित होते समय जब आकाश में सबसे ऊंचे पॉइंट पर होती है ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून आ सारी प्लेस हरी सारी जगह पर मेरिडियन में उस मेरिडियन में मिड डे और नून होता है यानी दिन के मध्य का समय और दोपहर का समय होता है एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट दोज प्लेसिज ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल भी अहेड ऑफ ग्रीन विच टाइम एंड दोज टू देश्ट विल बी बिहड इट फिगर टू पॉइंट एट एज़ द अर्थ रोटेट फ्राम वेस्ट टू ईस्ट जैसे ही पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है दोज प्लेसिज ईस्ट ऑफ ग्रीन विच विल भी अहेड वे प्लेस जो कि ग्रीन विच के सामने होते हैं ग्रीन विच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहड वे और जो प्लेस ग्रेन विच टाइम के पीछे होते हैं इनको फिगर टू पॉइंट एक एट जो कि अगले जो कि पिछले पेज पर पे उस पर भी देख सकते हैं इंस्टेंट द रेट ऑफ डिफरेंसिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज डिफरेंस का जो रेट है उसको इसी प्रकार से कैलकुलेट किया जा इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है द अर्थ रोटेड थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री इन अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स पृथ्वी चौबीस घंटे में तीन सौ साठ डिग्री घूमती है विच मीन्स फिफ्टीन डिग्री एन आवर और वन डिग्री इन फोर मिनट्स जिसका अर्थ है कि पंद्रह डिग्री एक घंटे में घूमती है और चार मिनट में एक डिग्री घूमती है थे इट इज़ ट्वेल्व नोन एट ग्रीन बिच इस समय ग्रीन पर ट्वेल्व नोन दिन के बारह बजे होते हैं द टाइम एट फिफ्टी डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी फिफ्टीन इंटू फोर इजक्ल टू सिक्सटी मिनट तब ग्रीनविच पर टाइम फिफ्टीन इजक्ल टू फोर फिफ्टीन इंटू फोर इजक्ल टू सिक्सटी मिनट होते हैं आई ई वन आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम जो कि ग्रीनविच टाइम के एक घंटे पहले होता है विच मीन्स वन पी एम जिसका अर्थ होता है कि एक पी एम बारह बजे के बाद का एक पी एम बट एट फिफ्टी डिग्री फिफ्टीन डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लेकिन फिफ्टीन डिग्री वेस्ट ग्रीनविच के द टाइम विल बी बिहड ग्रीनविच टाइम बाय वन आवर वह ग्रीनविच टाइम के पीछे एक घंटे का टाइम होता है आई ई इट विल बी एलेवन एम और यह इलेवन एम यानी बारह बजे से एक घंटा पहले ग्यारह बजे होगा सिमिलरली एट 180 डिग्री उसी प्रकार से 180 डिग्री पर इट विल बी मिड नाइट विन इट इज़ ट्वेल्व नोन एट ग्रीन विच उसी प्रकार से 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी विन इट इज़ ट्वेल्व नोन एट ग्रीन विच और जब ग्रीन विच पर यह 12 बजे होगा एनी प्लेस एट एनी प्लेस अ वाच कैन बी एडजस्ट टू रीड ट्वेल्व ओ क्लॉक विन दर्शन इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई किसी भी जगह पर घड़ी बारह बजे जब क्लॉक करना शुरू होती है घूमनी शुरू होती है तो उस जगह पर वह सबसे हाइस्ट पॉइंट पर सबसे ऊँचे पॉइंट पर बारह बजे होती है जबकि आसमान जबकि आसमान में सूरज हमारे ठीक शाम सीधे ऊपर होता है आई ई विन इट इज़ मिड डे और इसको हम मिड डे या दोपहर का समय के नाम से जानते हैं द टाइम शो बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस और घड़ी द्वारा जो टाइम दिखाया जाता है वह उस एरिया का उस क्षेत्र का लोकल टाइम होता है यू कैन सी दैट ऑल द्लेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इसको आप इस प्लेस को आप दी हुई मेरिडियन पर देख सकते हो हैव द सेम लोकल टाइम जो कि एक ही लोकल टाइम में होती है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम हमें स्टैंडर्ड टाइम की आवश्यकता क्यों है द लोकल टाइम ऑफ प्लेसिस विच आर ऑन डिफरेंट मेरेडियन आर बाउंड टू डिफर जो किसी भी जगह का लोकल टाइम होता है वह डिफरेंट मेरिडियन द्वारा बंधा हुआ होता है यानी डिफरेंट मेरिडियन के अनुसार होता है फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेंस विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स उदाहरण के लिए यह सैबरल लॉन्गट्यूड पार करने वाली ट्रेनों के लिए टाइम का टाइम को फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है इन इंडिया फॉर इंस्टेंस भारत में भारत के संदर्भ में या भारत में इस संदर्भ में देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट वन आवर एंड ट्वेंटी फाइव मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम भारत में लोकल टाइम द्वारिका गुजरात में और डिब्रूगढ़ असम में एक एक घंटे पैंतालीस मिनट का डिफरेंस है इट इज़ देअर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री इज़ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सेम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री यह किसी भी देश के लिए आवश्यक है कि उस देश के सेंटर से जाने वाले मेरिडियन के इस्टेंडर्ड से उस देश का टाइम को निश्चित किया जाए उस देश के टाइम को निश्चित किया जाता है इन इंडिया द ऑफ एटी टू हाफ डिग्री ईस्ट एट्टी टू डिग्री थर्टी ईस्ट इज स्ट्रेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन उदाहरण के लिए भारत में लॉन्गी जो कि एट्टी टू डिग्री ईस्ट और थर्टी एट्टी टू डिग्री थर्टी ईस्ट है उससे भारत का स्टैंडर्ड टाइम को ट्रीट किया गया है स्टैंडर्ड टाइम को लिया लिया गया है द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री इस मेरिडियन 82 डिग्री 30 ईस्ट की मेरिडियन का लोकल टाइम जो लिया गया है वह सारे देश के लिए हमारे देश के लिए लोकल टाइम है इट इज़ नोन एज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई एस टी यह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई एस टी कहलाता है इस एटी टू हाफ डिग्री ईस्ट ईस्ट मेरिडियन से इंडिया का टाइम लिया गया है स्टूडेंट कबीर लिव्स इन स्मॉल टाउन नियर भोपाल कबीर भोपाल के नजदीक एक छोटे कस्बे में रहता है ही टेल्स फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट उसने अपने दोस्त आलोक से कहा कि वह इस रात को सो नहीं सका अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट टू पी एम इन लंदन भारत और इंग्लैंड के बीच डे और नाइट का क्रिकेट मैच दो बजे लंदन में प्रारंभ हुआ दिस मीन्स डैट द मैच वुड बिगिन एट सेवन थर्टी पी एम इन इंडिया इसका अर्थ है कि वह मैच भारत में सात बजकर तीस मिनट शाम को प्रारंभ हुआ एंड फिनिश विल इन टू द नाइट और फिनिश रात को हुआ डू यू नो वट इज़ द टाइम डिफ्रेंसिस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में कितना अंतर है इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट एटी टू डिग्री थर्टी ईस्ट इज फाइव आवर्स एंड थर्टी मिनट्स अड ऑफ जी एम टी भारत ग्रीनविच के पूर्व में बयासी डिग्री थर्टी ईस्ट में स्थित है जो कि ग्रीनविच से पाँच घंटे तीस मिनट आगे है सो इट विल बी सेवन थर्टी पी एम इन इंडिया वेन इट इज़ टू पी एम नोन इन इंग्लैंड इसलिए जब इंग्लैंड में दोपहर के दो बजे हो बजते हैं तब भारत में शाम के सात बजकर तीस मिनट होता है सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गील एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडोप्टिड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम बहुत सारे देशों में बहुत सारे देशों में ग्रेट लॉन्गिट्यूडसनल एक्सटेंट हैं यानी बहुत ही ग्रेट लॉन्गिट्यूडन लॉन्गीट्यूडसनल एक्सटेंट है वहाँ पर लॉन्गिट्यूड में वहाँ पर बहुत भिन्नता है विभिन्न प्रकार की लॉन्गिट्यूड है एंड सो दे हैव एडोप्टिड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम इसलिए उन्होंने एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम को स्वीकार किया है फॉर एग्जाम्पल इन रशिया वेयर आर एज मैनी एज एलेवन स्टैंडर्ड टाइम उदाहरण के लिए रसिया जहाँ पर कि ग्यारह स्टैंडर्ड टाइम स्वीकार किए गए हैं द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू ट्वेंटी फोर टाइम जोन पृथ्वी 24 फोर टाइम जोन में डिवाइड है ऑफ वन आवर ईच जिसमें कि प्रत्येक के लिए एक आवर है ईच जोन थस कवर्स 50 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड प्रत्येक जोन 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है डियर स्टूडेंट अभी आपने चैप्टर पढ़ा इस चैप्टर की वीडियो आपने देखी अब इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन हम पी डी एफ बना पी डी एफ बना के क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए समझिए थैंक यू स्टूडेंट हैव अ नाइस डे